क्यों मारा उसको? हेलो तुम्हें कानून पे भरोसा नहीं है क्या? कानून पे तो भरोसा है साहब, पर आजकल कोई भी कानून खरीद लेता है। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन कुछ हमारे जैसे ईमानदार पुलिस वाले होते हैं ना। ईमानदारी, आजकल ईमानदारी दो कौड़ी में बेच देते, जिधर ज्यादा पैसा मिले ईमानदारी खुश। हेलो बोलिए। एनी डिटेल्स? ठीक है मैं आता हूँ। खोल ले हमें चलना है। हाँ साहब। अस्पताल में एक बॉडी मिली शायद रेप हुआ। हाँ तो चलो सर। मैं तो बोलता हूँ सर अभी उसका सर काट के ला। चुप, मैं कानून का रखवाला हूँ, तुम्हारे जैसा हैवान नहीं हूँ। हाँ सर आप रखवाले हो, आप नहीं कर सकते, पर उनको जेल में जाकर फायदा है क्या है? आज जेल में डालोगे कल जमानत में छूट जाएंगे, परसों किसी और को शिकार करेंगे। साहब ये तो चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होएगा। हाँ तो हम क्या कर सकते, हमारे हाथ तो कानून से बंधे हुए। पता नहीं सर किसने हमें मोमबत्ती पकड़ना सिखाया, वरना नारी के सम्मान में तो हमारे यहाँ महाभारत और लंका दहन होता था। ये रुकेगा नहीं, ये हमें ही रोकना पड़ेगा। बोले हाँ सब बोल दो क्या? बोल दो। हाँ भाई आपने मेरी आंखें खोल दी और एक बात और सिखाई कि हाथ कानून के बंधे होते हैं, तुम्हारे नहीं। तो करो लंका दहन ताकि सारे हवन को सबक मिले और हमारे बहन बेटों को सुरक्षा। जय जय भारत।